हाय गाइस, आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी स्पाइसी मसाला ऑमलेट। कुछ घर के मसालों का यूज करके ही हम बहुत अच्छा मसाला ऑमलेट बना सकते हैं। हर सुबह उठ के हम कहते हैं कि आज नाश्ते में क्या बनाएं। जो तीखा और मसालेदार खाना पसंद करते हैं उनको ये मसाला ऑमलेट बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मसाला ऑमलेट बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे? सबसे पहले कोरिएंडर पाउडर, उसके बाद सॉल्ट, फिर ब्लैक पेपर, गरम मसाला, टर्मेरिक पाउडर, चिली पाउडर और 2 अंडे, और उसके साथ हम अनियंस और ग्रीन चिलीज भी लेंगे। सबसे पहले हम 2 अंडों को छोटे से बोल में अच्छे से निकाल लेंगे। अच्छे से निकाल लेने के बाद उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पाउडर डालना है। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे। उसके बाद हम कटा हुआ प्याज और थोड़ी चिली लेंगे, फिर उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसे तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि सारे मसाले अच्छे से अंडे में मिक्स ना हो जाए। फिर हम पैन में थोड़ा सा तेल गर्म होने के लिए रखेंगे, साथ ही साथ हम तवे पे ब्रेड को भी गर्म करेंगे। अगर आप ब्रेड को बटर के साथ फ्राई करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। तेल गर्म हो जाने के बाद हमने जो ऑमलेट का मिश्रण तैयार किया था वो पैन में डालेंगे और अच्छे से फैला देंगे। पैन में डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे जिससे हमारी ऑमलेट जल ना जाए। धीरे धीरे हम उसे अच्छे से पकाएंगे और थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे जिससे हमारा ऑमलेट चिपके नहीं। जब हमें लगे कि हमारा ऑमलेट एक ओर से पक चुका है तो हल्के से उसे उठाए और पलटे। दोनों ओर से हमें उसे अच्छे से पकाना है। पक जाने के बाद हम उस ऑमलेट की प्लेटिंग करेंगे। हमारा स्पाइसी मसाला ऑमलेट तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से आप घर पे बनाएं और ऑमलेट कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।